ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना वली रहमानी साहब का आज इंतकाल हो गया। वे पिछले करीब एक हफ्ते से बीमार चल रहे थे। मौलाना वली रहमानी साहब का पटना के पारस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। आज दोपहर के 2 बजे करीब पारस हॉस्पिटल में ही इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौलाना वली रहमानी बिहार, उड़ीसा व झारखंड के इमारत शरिया अमीर शरीयत के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। इस मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने ट्विटर हैंडल से जानकारी देते हुए बताया कि महासचिव मौलाना वली रहमानी साहब का देहांत हो गया है। यह पूरे मुसलमान समाज के लिए एक कभी न पूरा होने वाली नुकसान है। सभी मुसलमानों से दुआ और सब्र की अपील की है। हकीकत में हम अल्लाह के हैं और उसी की ओर हमें लौट जाना है। मौलाना वली रहमानी 15 दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन के बाद उनकी डेड बॉडी को फुलवारी शरीफ के इमारत शरिया लाया गया, जहां उनका एक बेटा उनके साथ था। उनके परिवार के सदस्य ने बताया कि उनकी एक बेटी और एक बेटा जो विदेश में रहकर काम कर रहा है, उन्हें उनके पिता के इंतकाल की सूचना दी गई है। अमीर शरियत वली रहमानी के इंतकाल के बाद पूरे इमारत में गम का माहौल है। मौलाना रहमानी इमारत शरिया के अमीर शरियत के साथ साथ रहमानी 30 के संस्थापक और खानकाह रहमानी मुंगेर के सज्जाद नशी भी थे। मौलाना रहमानी बिहार विधान परिषद के MLC भी रह चुके हैं। अमीर शरियत मौलाना रहमानी देश ही नहीं दुनिया भर में इस्लामी स्कॉलर के रूप में जाने जाते हैं। ट्रिपल तलाक और बाबरी मस्जिद सहित कई मामलों में उन्होंने मुस्लिम समाज की रहनुमाई की थी। अमीर शरियत हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब का नमाज जनाजा कल खानकाह रहमानी मुंगेर में 11 बजे दिन के अदा की जाएगी। दिल को हिला कर चले गए।